13 सवाल है हमारे पास में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इस तरफ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। आंसर में आ रहा है जो राइट हैंड साइड है उसमें आ रहा है टेन थीटा सेक थीटा। तो मैं इस साइड का उपयोग करते हुए यह साइड लानी है टेन थीटा सेक थीटा में प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए आंसर जो आ रहा है वो टेन थीटा और सेक थीटा में आ रहा है, लेकिन पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा में और उसके बाद में यह जो राइट हैंड साइड है वो आएगी। तो पहले हम इसको सेक थीटा को लिखते हैं वन अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा को ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, वन अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है सेक थीटा। और इसी तरह से कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और टेन को साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम आएगा कॉस थीटा, आंसर आएगा कॉस थीटा वन माइनस, यहाँ पर एक है नीचे कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में एक बार एक और एक का गुणा एक माइनस, यहाँ पर नीचे एक है एक का भाग कॉस थीटा में कॉस थीटा बार और उसका गुणा कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर यह एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा कॉस थीटा रहेगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है एक के बराबर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इसको आप एक लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ भी आप देखें तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नीचे आएगा कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा तो यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन कॉस थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा यह होता है सेक थीटा, तो टेन थीटा सेक थीटा यह आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और जो हमने सिद्ध किया वो वापस लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा सेक थीटा इति सिद्धम। तो इस तरह से इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि पहले इन टर्म को साइन और कॉस में बदल देंगे और उसके बाद में इस तरह से आसानी से इसे हल कर सकते हैं। हमारे पास 14वां सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन। राइट हैंड साइड में जो आ रहा है वो टेन स्क्वायर अल्फा, हम क्या करते हैं हम केवल इसको कॉट स्क्वायर अल्फा को चेंज करते हैं टेन स्क्वायर अल्फा में और उसके बाद में हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आप इसे कॉट को भी साइन कॉस में बदले और टेन को भी साइन कॉस में बदले और उसके बाद हल करें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यह जो प्रोसेस होगा वो लंबा हो जाएगा। तो हम इसको सीधे हम जानते हैं कॉट अल्फा जो होता है वो वन अपॉन टेन अल्फा होता है, तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा तो है ही है, इसे हम लिख लेंगे वन अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वन। कॉट अल्फा की जगह हमने लिख लिया वन अपॉन टेन अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, ये है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। नीचे यहाँ पर जो टेन स्क्वायर अल्फा है वो आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन है एक का भाग टेन स्क्वायर अल्फा में टेन स्क्वायर अल्फा बार और उसका गुणा टेन एक से टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसे आप लिख सकते हो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन
वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा एंड इट विल बी टेन स्क्वायर अल्फा जो कि ऊपर चला जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, यह आएगा टेन स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इसे आप लिख सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इति सिद्धम। तो इस तरह से आप यदि आप साइन थीटा और कॉस थीटा में इसे कन्वर्ट करें तो यह सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा यह रहेगा कि आप केवल कॉट को टेन में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद यह सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, और आपको राइट हैंड साइड को प्रूव करना है जो कि वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वन प्लस कॉस थीटा है, ये जो टर्म आ रही है अलग से, तो हम यहाँ पर वन प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं वन प्लस कॉस थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर इससे क्या होगा, यह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा हम जानते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी या ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली संख्या एक का स्क्वायर दूसरी संख्या कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा और यह हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर लिख लेंगे साइन थीटा और यह हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा से यह एक साइन थीटा कट जाएगा तो आंसर आएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो आपको प्रूव करना था और आपने प्रूव कर लिया है साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा बराबर वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि वन प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में और इसको कैलकुलेट करेंगे इन सर्व समीकरणों की सहायता से। 16वां सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा, राइट हैंड साइड में आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म जो है उसमें इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखते हैं तो ऊपर क्यूब आ जाएगी, और इसे कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखते हैं तो ऊपर क्यूब आएगी। आप राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड में जो टर्म आ रही है उसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आपने इसे इस टर्म में लिख लिया। अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक सर्वसमिका है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसे आप खोलेंगे तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय पहली संख्या का स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, इसे हम मतलब कोष्ठक बना लेते हैं, माइनस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर।
हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है एक, तो इसे लिख लेंगे एक, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे हम एक बार ऐसे रखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको पास में ले आते हैं और ये टर्म हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक का गुणा इस टर्म के साथ ये टर्म वापस आएगी। और अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो टर्म आ रही है वो आ रही है माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपके पास टर्म है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़े और घटाए तो माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म में हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने राशि जोड़ी और घटाई और यह जो सवाल में पहले से है इस टर्म में ऊपर वाले टर्म में वो लिख ली कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों जोड़ के माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और इस टर्म को देखिए, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। जब इसको आप खोलोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस दो गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली टर्म ऐसे कैसे आएगी, और इसको आप जोड़ के लिख लीजिए माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपने सिद्ध कर लिया साइन की घात छः थीटा प्लस कॉस की घात छः थीटा बराबर है एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल को करने के लिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको सिद्ध करना है वो वाली टर्म साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में है, तो आप जो घात छः थीटा है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में यह सर्वसमिका लगेगी और इस सर्वसमिका के बाद में आप इसे तो एक लिख लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसे हल करना है। यहाँ पर यह टर्म तो आ गई लेकिन जो राइट हैंड साइड में है वो माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से जोड़ेंगे और साथ में घटाएंगे, इससे यह टर्म हो जाएगी माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यह टर्म जो होगी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगी जो कि आता है एक का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं।